हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी का न्यू ब्लॉग में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे फ्रेंड। मैं भी अच्छी हूँ। और ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे न्यू है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि न्यू ब्लॉग देखने को आप सभी को मिलता रहेगा। तो आप लोग कैसे हो कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे। और आज का ब्लॉग होने वाला है कुछ अलग, कुछ मीठे के साथ। तो उम्मीद है कि अच्छा लगेगा। कुछ मीठा मीठा खाइए और प्यारा प्यारा कमेंट करिए। तो काफी दिनों बाद मेरा ब्लॉग आ रहा है फ्रेंड, तो उम्मीद है कि आप सभी को अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो देख लेना प्लीज। हाँ, तो खिलाते हैं आप सभी को मिठाई। चढ़ गई फ्रेंड, नीचे रखी रही, पहुंच नहीं रही थी। तो ये देखिए, ये इतनी सारी मिठाई आई है मेरे घर में। 1 केजी है, ये देखिए आधा आधा केजी के 2 है पैकेट, मतलब कि जलेबी है। ये देखिए, तो आज का ब्लॉग मीठे के साथ है, तो उम्मीद है कि अच्छा लगेगा। मुबाइये, खा लीजिए प्यारे प्यारे मेरे दोस्तों, देवर लोगों, जो मेरी भाभियों और ननद लोग जुड़े हैं, सभी को मैं बुला रही हूँ कि आ जाओ, मिठाइयाँ खा लो और मीठे के साथ प्यारा प्यारा कमेंट कर देना। तो मुबाइये आ। तो सबसे पहले फ्रेंड मिठाई खाऊंगी, उसके बाद चलते हैं सब्जी कट करते हैं, क्योंकि आज हमारे घर में भिंडी बनने वाली है, जो कि भिंडी अब इस समय मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छी लग रही, लेकिन आई है तो बनाना तो पड़ेगा ही। ढेर सारी थी, अभी भी ढेर सारी है, क्योंकि मैं सुबह से 2 बार खा चुकी हूँ, तीसरी बार है। तो बांध के फिर रख देती हूँ। तो चलते हैं फ्रेंड, सब्जी कट कर लेती हूँ वरना लेट हो जाएगा। इस समय 11 बज चुके हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, मैं आ चुकी हूँ भिंडी लेके। ये देखिए, अब कट कर लेते हैं भिंडी। ये देखिए, 1 केजी भिंडी आई थी, जो कि ये देखिए सुबह मैंने भरवा भिंडी बनाई थी, और अभी कुछ बच गई है क्योंकि मसाला कम पड़ गया था। तो ये देखिए, ये भरवा भिंडी के लिए मैंने कट किया था और बनाया भी था, तो मैंने सोचा इसी में रख देते हैं, बन जाएगा। तो फटाफट कट कर लेते हैं फ्रेंड, चलते हैं बनाते हैं वरना लेट हो जाएंगे। तो आज हमारे घर में बनने वाला है भिंडी की सब्जी और चावल और रोटी। तो किस किस को खाना है कमेंट करके जरूर बताइए। सुबह तो वैसे मैंने भरवा भिंडी बनाया था, लेकिन अब कट करके बना रही हूँ। सुबह भिंडी और रोटी और पराठा बनाए थे, क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना था ना, इसलिए तो भरवा भिंडी और पराठे। तो अभी थोड़ी रखी भी है तो हो जाएगा, और चावल से खाने के लिए ना रात की बची हुई दाल रखी है, तो वो काम आ जाएगा फ्रेंड। तो आज हमारे घर में टेस्टी टेस्टी भिंडी भात रोटी, यानी कि बिहार का भाषा है भात, भिंडी भात, और हमारे दिल्ली में तो चावल और सब्जी बोलते हैं, रोटी बोलते हैं। आज के यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट करके बताइए, जब ही तो हम जानेंगे कि आप कहाँ के रहने वाले हो, है ना? अगर आप सब नहीं बताओगे तो कैसे जानेंगे। तो ये देखिए, प्यारी प्यारी भिंडी कट कर दी है मैंने।
मेरे देवर लोग लाइक नहीं किया, मेरी भाभी लोग मेरी वीडियो को जो जो देखते हैं उन सभी को, माताएं बहनों को दिल से नमस्कार, थैंक यू, इसलिए कि मेरी वीडियो को प्यार देते हो, सपोर्ट करते हो। तो ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखना। नहीं, मैं तो देखती नहीं हूँ कि कौन कौन देखता है कौन नहीं देखता है, और मेरी वीडियो कैसी रहती कैसे नहीं ये तो मुझे नहीं मालूम चलता है, क्योंकि मैं अपने काम में व्यस्त रहती हूँ, वीडियो बनती रहती है क्योंकि मैं अपने काम पे ज़्यादा ध्यान देती हूँ, क्योंकि काम भी करना बहुत ही ज़रूरी होता है, और जो मैं अपने घर में डेली रूटीन में करती हूँ उसी को मैं ब्लॉग डाल देती हूँ, तो उसको आप सब बहुत प्यार देते हो, तो उम्मीद है कि आगे भी ऐसा ही प्यार देना। मैं तो दो दो भिंडी, चार चार भिंडी एक साथ भी कट कर देती हूँ, और आप सब किस तरीके से काटते हो कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है? एक भिंडी काटते हो या दो? मैं तो जल्दी के लिए दो भी काटती हूँ, चार भी काटती हूँ, पांच भी काटती हूँ, क्योंकि आप सभी के सामने ही मुझे कट करना है, इसलिए जल्दी जल्दी मैं कट करती हूँ, और मैं वीडियो नहीं रोक रही हूँ सच में, क्योंकि मुझे लगता है कि जितनी देर की वीडियो बनेगी उतनी देर में मैं अपना काम भी ख़त्म कर लूँगी और आप सभी से बातें भी कर लूँगी। और हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, मैं लाइव नहीं आ पाती हूँ, क्या करूँ, थोड़ा मेरा तबीयत ना इस समय बहुत ख़राब था, आप जाके थोड़ा ठीक हुआ है। तो ये देखिए मैंने भिंडी को किया कट, और आज हमारे घर में भिंडी भात रोटी बनने वाली है, और रात की बची हुई दाल रखी है तो उसी में काम चलाएंगे। तो मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक का टाटा बाय बाय।